हे दोस्तों, आज हम रिव्यू अनबॉक्स करेंगे प्रोफेशनल वीडियो ट्रायपॉड का, जो कि आता है इमेज की तरफ से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां से ओपन होगा, इसको मैं ओपन करता हूं यहां से। इसमें एक और बॉक्स आता है, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। इसका एक और बॉक्स है जो कंपनी की तरफ से आता है। ये दोस्तों इसमें एक बैग भी आता है, इसको हम निकाल के देखते हैं। दोस्तों पहले बताऊं बैग की क्वालिटी, तो बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छी लगी मेरे को। इसकी चैन भी काफी ठीक है। ये दोस्तों ऐसे इसमें लग के आता है, जो ताकि ये ट्राइपॉड बैग में से हिले ना। ये दोस्तों इसमें एक पॉकेट भी आती है इसमें। अच्छा दोस्तों, ये इसकी यूज़र मैनुअल और ये कुछ इसमें और सामान मिलता है इसका, बाकी आप इसमें कुछ भी रख सकते हो। ये इसका वारंटी कार्ड मिलता है दोस्तों, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले बात करते हैं मेन डिवाइस। ये दोस्तों आया बहुत अच्छी पैकिंग में, ये आप देख सकते हो। दोस्तों ये इसमें एक ये भी आता है, अगर आपको ये कहीं ले जाना कैरी करना है तो आप इसको लगा के आराम से इसको उठा के लेके चल सकते हो। ये भी इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसको भी हम बाहर वहाँ रख देते हैं, बाद में देखेंगे। आप इसको निकालते, बस दोस्तों बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक दोस्तों इसका ये हैंडल आता है, ताकि सिनेमेटिक शॉट आप आराम से इसको ले सकते हो। इसका यूज मैं आपको आगे बताऊंगा, ये देख सकते हो दोस्तों आप। इसके बिल्ड क्वालिटी की बताऊं तो दोस्तों ये सब मेटेलिक है और काफी टफ है दोस्तों। ये दोस्तों ये रबड़ है, इसमें ये नीचे रबड़ दी गई है दोस्तों। ये प्लास्टिक है इसमें, ये भी रबड़ है। और दोस्तों ये जो है ये भी सब मेटल का है, प्लास्टिक नहीं है दोस्तों, ये भी मेटल है, ये भी मेटेलिक है दोस्तों। इसमें इसका वेट बता दो दोस्तों, कम से कम 3-4 के किलो के लपेट में होगा इसका वेट सारा दोस्तों। अब इसको पूरा लगा के तब आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने इसको बैग से बाहर निकाल दिया, अब मैं आपको इसका हैंडल लगा के दिखाता हूँ। ये दोस्तों साइड में इसका ऐसे लगाना पड़ेगा, इसको टाइट करना पड़ेगा आपको। क्या काम करता है मैं आपको ये आगे आगे दिखाने वाला हूँ। ये दोस्तों आप ऐसे इसको टिल्ट कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हो। आपको सिनेमेटिक अगर कोई शॉट लेना हो तो आप उसके लिए ये हैंडल काम में आता है। ये दोस्तों ये हैंडल सिर्फ वीडियो ट्राइपॉड में ही आता है, आप अगर नॉर्मल फोटो ट्राइपॉड लोगे तो उसमें ये वाला हैंडल नहीं आता है। दोस्तों इस हैंडल को आप इसकी मदद से छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ये ऐसे बड़ा होके यहाँ पे आप लॉक भी कर सकते हो इसको, मनचाहे जितना भी आप इसकी हाइट दे सकते हो, और यहाँ पे हला के इसको लॉक कर दो, ये आपका लॉक हो गया। आपको जो साइज चाहिए वो साइज हैंडल का हो सकता है। दोस्तों इस ट्राइपॉड की टोटल हाइट है 5 फुट 4 इंच। मैं आपको खोल के इसको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से लॉक खोलेंगे इसके, और आप ये खोल के तीनों लॉक को ये ऐसे ऊपर करके और यहीं पे ये लॉक फिर से लगा सकते हो आप। ये दोस्तों ये तीनों लॉक लग गए, या भी ये कहीं नहीं जाने। दोस्तों इसके दो लॉक सिस्टम मिलते हैं, मैंने आपको एक खोल के दिखा दिया, ये दूसरा भी आपको नीचे से खोल के दिखा देता हूं। ये नीचे से खुलेगा तो इसकी हाइट और भी बढ़ने वाली है। ये इसकी फुल हाइट है, ये आपको पूरा खोल के इसको लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो ये कहीं भी गिर सकता है। ये दोस्तों इसकी फुल हाइट है, मैं आपको पूरा दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हो ये इसकी फुल हाइट है। दोस्तों ये लॉक सिस्टम कैसे काम करते हैं मैं ये आपको बता देता हूं। ये आप देख रहे हो ये ऊपर नीचे हो रहा है, अगर हम इसको ऊपर कर देते हैं तो ये वहीं का भी रुक जाएगा। अगर आपको कोई शॉट
रोकना है यहाँ पे लगा के आप ये ऊपर कर दोगे तो ये अब ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर हम इसको ये नीचे कर देते हैं तो आप देख सकते हैं पूरा फ्री हो रखा है, वहीं इसको अगर हम ऊपर कर देते हैं तो ये बिल्कुल हिलने वाला नहीं है। जो ये वाला लॉक सिस्टम है ये दोस्तों इसको आगे पीछे करता है, ये अगर हम बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे तो देख सकते हो दोस्तों कितने आराम से आगे पीछे हो रहा है। वहीं अगर हम इसको टाइट कर देंगे दोस्तों तो ये उतनी आसानी से आगे पीछे नहीं हो रहा है। ये दूसरा है दोस्तों इसका। तीसरा दोस्तों ये आता है, अगर हमको ये पूरी बॉल निकालनी है तो ये नीचे इसके ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आता है अगर हम इसको खोल देंगे तो ये पूरी बॉल ढीली हो जाएगी, फिर आपको जैसे भी लगाना हो वैसे आप इसको लगा सकते हो। इसकी एक प्लेट आती है वो भी आपको लगा के दिखा देता हूँ ये कैसे काम करती है। दोस्तों आप ये देख सकते हो ये इसकी प्लेट आती है जिसमें कैमरा अटैच होता है, ये आपको ये ऐसे लगेगी यहाँ पे और ये लग गई। अब दोस्तों ये निकल नहीं सकती यहाँ से, आगे पीछे तो हो सकती है पर ये दोस्तों निकल नहीं सकती है। अगर आपको इसको निकालना है तो दोस्तों आपको ये दबाना पड़ेगा और तब ये पूरी निकल जाएगी, और अगर आप इसको दबाओगे नहीं तो दोस्तों ये आगे पीछे तो हो सकती है पर निकलेगी नहीं। और अगर आपको ये आगे पीछे भी इसका कम करना है या बंद करना है तो दोस्तों इसका ये एक और लॉक दिया गया है, अगर इसको ऊपर कर देते तो ये अगर इसको ऊपर कर नीचे कर देते दोस्तों तो ये आगे पीछे भी नहीं होगी, ये आप देख सकते हो। दोस्तों यार जो प्लेट देख रहे हो आपको दिखा देता हूँ ये कैमरे में कैसे लगती है। दोस्तों आप इसकी एक नट देख रहे हो तो हमको कैमरे की यहाँ पे लगाना है, कस देना है कैमरे यहाँ पे, इसमें ट्राईपॉड में ये लगा देना है, ये अब लग चुका है। अब जहाँ पे भी आपको दोस्तों ये रोकना है वहाँ पे आप ये करके, और ऊपर मैंने बताया था आपको इसको नट को आप यहाँ से करेंगे तो ये अब ऊपर हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा कैमरे में दिखा देता हूँ, ये दोस्तों देख सकते हो आप। अब दोस्तों इसके शॉट अगर आपको लेने हो तो सिंपल ही है, मैं कैमरा ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा कैमरा ऑन हो गया। दोस्तों आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से अगर हमने कहीं भी मूव करना है तो आसानी से हो रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों। और अगर हमने आगे पीछे करना है दोस्तों तो ये देखो ऊपर नीचे भी आराम से ये हो रहा है, सिर्फ एक उंगली लगा रहा हूँ दोस्तों उससे आराम से ऊपर नीचे सब कुछ हो रहा है, देख सकते हो दोस्तों आप। अब दोस्तों इसके कुछ मैं सिनेमेटिक आपको शॉट दिखा देता हूं। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।